नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जिला संगठन की ओर से यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष की माने तो यात्रा में 25 से 30 हज़ार के बीच लोग शामिल होंगे और यात्रा के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से दोबारा सत्ता पर वापसी करने वाली है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, 24 को यात्रा का भव्य स्वागत यहां पर किया जाएगा। दरअसल रुद्रप्रयाग में विजय संकल्प यात्रा को लेकर तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। ऐसे में जिला संगठन की ओर से यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष की माने तो यात्रा में 25 से 30 हज़ार के बीच लोग शामिल होंगे और यात्रा के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से दोबारा सत्ता पर काबिज होने जा रही है। देखो, पूरा उत्तराखंड प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने जो है गढ़वाल निजन के लिए जो है हरिद्वार से हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा को रवाना किया है और ये यात्रा प्रत्येक विधानसभाओं से होकर के गुजरेगी, जिसके तहत जो है 24 तारीख को रुद्रप्रयाग जनपद में यात्रा आने वाली है। इसमें हमारे जो है राष्ट्रीय सचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, पूर्व सांसद बल्लाज पासी जी और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी और गढ़वाल सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी और धन सिंह रावत जी, ज्योति प्रसाद गैरोला जी इस यात्रा में रहने वाले हैं। सितारगंज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों का धान का भुगतान और चीनी मिल सीतापुर से संचालित कराने के संबंध में एसडीएम प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लिखा है कि 3 साल में किसानों का धान का बकाया भुगतान करने के लिए सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन खरीफ सत्र काफी समय पहले खत्म हो चुका है, फिर भी आज तक किसानों के धान की फसल का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। लालकुआ विधानसभा कांग्रेस एससी विभाग की नई कार्यकारिणी की घोषणा आज हो गई है। बीते लंबे समय से कांग्रेस एससी विभाग की कार्यकारिणी प्रतीक्षित चल रही थी, जिसको लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन आज जिला अध्यक्ष इंदपाल आर्य ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की संस्तुति के बाद लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। बता दें कि कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल ने सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूत किया जाए। इसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी हमारे निगरानी हैं, उन्होंने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए और जिंदगत्ता कांग्रेस को और ताकत देने के लिए इसी प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया है और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं, महिला ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं, महामंत्री बनाए हैं और सोशल मीडिया के लोग बनाए हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि बिंदुखत्ता में कांग्रेस मजबूत होगी। ये जो आज हमने जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं संगठन के विस्तार के लिए कर रहे हैं, हमने संगठन विस्तार कर दिया है। पूरी जो विधानसभा हमारी जो लालकुआ है उसके अंतर्गत हमारी जो पूरी विधानसभा की हमने कार्यकारिणी गठित की है। जो 2022 हमारा मिशन है कांग्रेस को लाने का और हमने जो अनुसूचित विभाग के जो कार्यकारिणी हमारी कहीं पर रुकी, कहीं पर कुछ लोग नहीं रह गए थे, आज पूरे कर दिए हैं। 2022 के चुनाव का बिगुल बजते ही नेताओं का पार्टी बदलकर इधर से उधर जाने का दौर शुरू हो चुका है। भगवानपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे सुबोध राकेश ने भी बीजेपी को अलविदा कहकर बसपा का दामन थाम लिया और आने वाले 30 तारीख में होने वाली रैली की तैयारी में लग गए हैं। इसी कड़ी में भगवानपुर के विधायक ममता राकेश से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा ममता राकेश ने, आप सुनिए। 2022 का चुनाव फिलहाल अपने चरम पर है, नेता अपने मुफाद के लिए पार्टी बदल रहे हैं या कोई भी हथकंडे अपने अपना रहे हैं। इसी बीच भगवानपुर विधानसभा की बात करते हैं, भगवानपुर विधानसभा में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे सुबोध राकेश, जिन्होंने अभी अभी बसपा ज्वाइन की है। बसपा ज्वाइन करने के बाद किस प्रकार का जनता पर वो अपना प्रभाव डालते हैं, जनता उनको किस प्रकार से स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, इस मामले पर आइए बात करते हैं भगवानपुर विधायक ममता राकेश जी से। सबसे पहले हम उनसे जो है कल, क्योंकि सुबोध राकेश ने अपने पिताजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी की पुण्यतिथि मनाई थी, इसी बारे में भी बात चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं ममता राकेश जी।
मैडम जानना चाहेंगे कि सुबोध राजगीर जी ने पार्टी बदली है, तो क्या आपका क्या मानना है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपने मुझे कहा कि सुबोध राकेश जी ने अपने पिताजी स्वर्गीय बाबू कलीराम राकेश जी की पुण्यतिथि मनाई। मैं भी अपने स्वर्गीय बाबूजी कलीराम राकेश जी को अपने सच्चे श्रद्धा से मन अर्पित करती हूँ, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप बात कर रहे हैं कि पुण्यतिथि मनाई, अच्छी बात है, हर पुत्र को ये धर्म निभाना चाहिए, अपने पिता की पुण्यतिथि मनानी चाहिए। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सुबोध राकेश जी अपने निजी स्वार्थों को लेकर के पार्टियाँ बदल रहे हैं। 2017 के चुनाव से पहले 2016 में उन्होंने उस दुख की घड़ी में, जब पिता तुल्य उनके बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का, मेरे पति का निधन हुआ, जब उनके साथ की मुझे ज़्यादा आवश्यकता थी, उस समय उन्होंने मेरा साथ छोड़ा और मुझे छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। अब फिर चुनाव सर पर है, अब फिर वो उस पार्टी को भी अलविदा कह रहे हैं, यानी उनके अपने निजी स्वार्थ हैं, उसके चलते वो पार्टियाँ बदल रहे हैं। जैसे कपड़े बदले जाते हैं, इस तरह से वो पार्टियाँ बदल रही हैं। अब एक बात और मैं आपके जहन में लाना चाहती हूँ, सुबोध राकेश जी ने अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर भगवानपुर में रामलीला का आयोजन करना शुरू किया। अपने बड़े भाई की याद में रामलीला का आयोजन करते हैं और मात्र 3 साल में ही, आप उनसे पूछिएगा, पिछले 3 साल से वो रामलीला का आयोजन नहीं करा रहे हैं। क्या भाई की याद खत्म हो गई? और अपने भाई को जो बसपा से निश्चित रूप से चुनाव लड़े, लेकिन बसपा से चुनाव लड़ने के बाद वो कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया और कांग्रेस के साथ रह करके पूरा विकास कार्य उन्होंने, ऐतिहासिक विकास कार्य यहाँ पर कराए। अगर कलीराम राकेश जी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जैसा सुनने में आता है कि वो कांग्रेस से जुड़े रहते थे, जुड़े हुए नेता थे, इस बारे में क्या कहना? आज सुबोध राकेश जी कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार में शामिल हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ, सुबोध राकेश जी का कौन सा परिवार है बसपा पार्टी? हमारे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी और सुबोध राकेश जी के पूज्य पिताजी बाबू कलीराम राकेश जी कांग्रेस पार्टी में थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और कांग्रेस के सिंबल पर वो चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई। अब सुबोध राकेश जी की बात कहाँ तक कहें, सुबोध राकेश जी ने अपने पूज्य पिताजी के देहावसान के बाद भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर उन्हें बिठा दिया। अब सुरेंद्र राकेश जी और हमारे बाबूजी कलीराम राकेश जी, मेरे पति और मेरे स्वर्गीय ससुर, दोनों ने कभी भाजपा का साथ कभी नहीं दिया। अब सुबोध राकेश जी उन्हें कभी तो भाजपा के बैनर पर बिठा देते हैं, कभी उन दोनों को बसपा के बैनर पर बिठा देते हैं। अब बिठा करके उनकी आत्मा को भी कष्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्वर्ग में उनकी आत्मा है दोनों की, अब वो वहाँ पर भी उन्हें चैन से नहीं लेने दे रहे। जनता की अगर बात करें तो किस प्रकार से जो है जनता उनको स्वीकार करेगी, या क्या राय है आपकी, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, भगवानपुर की सम्मानित जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है। अब फैसला जनता के हाथ में है। मैं तो भगवानपुर की सम्मानित जनता की ऋणी हूँ, आभारी हूँ। जिस तरह से भगवानपुर की सम्मानित जनता ने पूर्व में निर्णय लिया 2015 में और 2017 में, जिस तरह से पूरा सहयोग, प्यार, आशीर्वाद अपना मुझे दिया और मेरी आँखों से उस समय आंसू पहुँचे जब मैं दुख के अथाह सागर में डूबी हुई थी, अथाह दुख का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा था, और इस समय भी जब परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, सुबोध राकेश जी ने छोड़ दिया, उनके पूरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब भी भगवानपुर की विधानसभा का पूरा परिवार, जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का परिवार था, वो परिवार मेरे साथ है और मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ भगवानपुर की सम्मानित जनता भी। आगे भी जनता सोच समझ कर फैसला लेगी और मुझे अपना प्यार, अभिषेक को अपना प्यार इसी तरह से देगी जैसे पूर्व। तो ये थे हमारे बीच में ममता राकेश जी, जिनका कहना है कि कपड़े बदलने से, चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, जनता को विश्वास दिलाना होगा, जनता को अपने विश्वास में लेना होगा। और जिस प्रकार से ममता राकेश जी का कहना है कि भगवानपुर की जनता हमेशा से उनके साथ है और हमेशा से उन्होंने उनके आंसू पोंछने का काम किया है, अभिषेक राकेश को आशीर्वाद देने का काम किया है, आगे भी इसी तरीके का चलता रहेगा। तो अब आने वाला क्या होगा, ये भविष्य गर्भ में है। 2022 का चुनाव सर पर है और आने वाले टाइम में जनता क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अपने साथी आशु मलिक के साथ न्यूज़ वर्ल्ड के लिए भगवानपुर से तोसी।
अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत पौड़ी के श्रीनगर में आरोग्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना को लेकर सभासदों, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स समेत मीडिया कर्मियों से सुझाव लिए। इस दौरान 25 से ज्यादा लोगों ने अटल आयुष्मान योजना को लेकर अपने विचार रखे हैं। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब तक प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले चुके हैं। 565 करोड़ रुपए अब तक इस योजना के तहत खर्च किए जा चुके हैं। पौड़ी की तस्वीरें, आरोग्य संवाद कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया जिसमें मंत्री के सामने तमाम बातें रखी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि अब तक प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले चुके हैं। ऐसे में लगातार 565 करोड़ रुपए अब तक इस योजना के तहत खर्च किए जा चुके हैं। भारत के तहत हमने एक आरोग्य संवाद कार्यक्रम यहाँ पे रखा था जिसमें कि जितने हमारे बेनिफिशियरी लोग हैं उनको भी बुलाया गया था, पत्रकार लोगों को बुलाया गया था, समाज के सभी वर्गों को लोगों को बुलाया गया था। और बहुत अच्छा है कि लगभग 25 लोगों ने आज यहाँ पे सुझाव दिया और हमने आयुष्मान भारत में एक रिकॉर्ड बनाया है उत्तराखंड राज्य ने कि अभी तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों का हम इलाज करा चुके हैं। 565 करोड़ रुपये इस योजना में खर्च हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि जिन 11 लाभार्थियों को हमने यहाँ पे बुलाया था वो इतने खुश थे कि उन्होंने दूसरा जीवन उनको मिला है। उत्तराखंड में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी चौधरी रविंद्र से हमारे एक संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। वह 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। बसपा ने खानपुर से चौधरी रविंद्र को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2012 में चौधरी रविंद्र जो हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन यहां से जीत गए थे। 2017 में इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई निर्दलीय के तौर पे, लेकिन इस बार जो है बसपा से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसे बात करते हैं। चौधरी साहब स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में आपका। धन्यवाद न्यूज़ 1 इंडिया का, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौधरी साहब क्या देख रहे हैं 2022 को लेकर, किस तरह की चुनौतियाँ हैं, क्योंकि 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं प्रणव सिंह के सामने, इस बार कैसे विजय हासिल करेंगे? 2022 का चुनाव जो है ये आपका ये अलग तरीके का चुनाव है। ये लोगों के मान सम्मान और लोगों के स्वाभिमान का चुनाव है। हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर हमारे पास ये बहुजन समाज पार्टी का सिंबल चाहे 2012 में होता चाहे 2017 में होता तो ये चुनाव का रिजल्ट आपके पक्ष में आता। क्या मान रहे हैं आप, 10 साल से सक्रिय हैं इस क्षेत्र में खानपुर में, क्या क्या कमियां दिख रही हैं जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो है 2 बार विधायक रहे यहाँ पे वो विकास नहीं करवा पाए यहाँ पे? यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या, पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या, शिक्षा की, चिकित्सा की और लोगों के सबसे बड़ी तो मान सम्मान की बहुत बड़ी समस्या। कुछ पैराशूट प्रत्याशी भी यहाँ आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये विधानसभा ऐसी है कि इधर तो ये बिजनौर में मिलती है, उधर बढ़ीवाड़ा में मिलती है पुरकाजी विधानसभा में, इधर ये मोरना विधानसभा में मिलती है, तो पैराशूट प्रत्याशियों की तो इसका सीमांकन ही नहीं पता तो वो चुनाव क्या लड़ेंगे। इस बार पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं सुभाष वर्मा जी जो आपके समाज से आते हैं उन्होंने आज जो है कांग्रेस ज्वाइन की है, शायद कांग्रेस जो है उन पर दांव खेल सकती है, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं किसी का चुनाव, अलग अलग पार्टियों के सभी प्रत्याशी होते हैं उनके चुनाव को मैं चैलेंज नहीं करता हूँ। मेरा तो अपना लोगों के बीच में लाड़ प्यार और मान सम्मान तो मैं करता हूँ अपने लोगों का, उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा कि 2022 के चुनाव में कोई नहीं है टक्कर में। यदि खानपुर की जनता आप पर विश्वास जताती है, इस बार आपको विधायक बनाती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी यहाँ पर? 70 के 70 विधायकों में खानपुर विधानसभा का नाम रोशन नंबर 1 पर होगा। कोई खास चीज़ें बताइए क्या करवाने जा रहे हैं आप लोग? जब 2022 का पहला ही साल होगा तो 2023 से पहले सारे स्कूलों में आपको मॉडलिंग स्कूल मिलेंगे, सारे चिकित्सालयों में आपको जो हमारे प्राथमिक चिकित्सालय खुले हुए गाँव में उनमें सब में डॉक्टर मिलेंगे, जो हमारे लोगों के अपने पानी की निकासी से लोगों के घरों तक अंदर तक उनका जीवन जीना दुभर, उन लोगों के घरों में तो वो पानी जो अपने आप में वास कर रहा है पिछले 15-20 सालों से वो ख़त्म मिलेंगे। आपके जो रोड नाली खड़ंजे
शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, इन सब पर हमारा फोकस है। कि अगर आप विधायक बनते तो विकास के बाहर आएंगे यहाँ पे, कोई समस्या रहने की। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चौधरी रविंदर जी, जो खानपुर से बसपा के प्रत्याशी हैं। इनका साफ तौर से कहना है, यदि 2022 में जनता इन पर विश्वास जताती है तो ये खानपुर का चहुंमुखी विकास करेंगे। मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, खानपुर। श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में पौड़ी के ग्राम प्रधानों के साथ मुख्यमंत्री को संवाद करना था, लेकिन समय की व्यवस्था के चलते मुख्यमंत्री ग्राम प्रधानों को संबोधित करने के बाद देहरादून लौट गए, जिससे ग्राम प्रधानों में खासा नाराजगी देखने को मिली। ग्राम प्रधानों का कहना है कि वो दूर दराज से अपने क्षेत्र की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन सीएम भाषण देकर चले गए। तो पौड़ी की तस्वीरें, जनसंवाद कार्यक्रम यहां पर रखा गया था, सीएम धामी ने शिरकत, लेकिन ग्राम प्रधानों से वो बातचीत नहीं कर पाए, जिससे खासा रोष ग्राम प्रधानों में देखने के लिए मिला। मुख्यमंत्री जी को लिखे दे दिया, समस्या बताने का टाइम कितना था, मुख्यमंत्री टाइम भी बहुत कम दिया, ये भी तो सोचो ना टाइम कितना दिया मुख्यमंत्री। हम सुबह 12 बजे से यहाँ बैठ गए, क्या व्यक्तिगत तौर पे हम बता नहीं सकते थे। हम सीएम साहब तो अपने बता के चले गए, अपना सब कुछ बता के चले गए, पर प्रधानों की जो समस्याएं हैं वो तो जैसी की जैसी वैसी पड़ी हैं। बड़ी इंतजारी से आए थे, अब सुबह लगभग दूर दराज से आ रखे हैं, मैं एम के सर विधानसभा से आ रखा हूँ, और हम लगभग 6:30 बजे से पहले घर से निकल गए थे। यही हमारे बीच उत्सुकता थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें सम्मानित करेंगे, हमारे लिए गौरव का पल था, और हम इसी इरादे से आए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आधे में धन्यवाद देकर चले गए, ये हमारे लिए चिंता की। क्या लगा कि धामी जी जैसे मुख्यमंत्री ने चलो ये कहा कि प्रधानों को ख्याल रखा कि आइए हमसे बात, हम बात करेंगे, 2 घंटे 1 घंटे बात करेंगे, लेकिन दुखी होता है कि जब दूर दूर से ग्राम प्रधान जब यहाँ पे आए, किस तरह से सुबह लाए, दो ठंड में आए, कैसे कैसे यहाँ पहुँचे, अपने गाड़ी से पहुँचे, कैसे पहुँचे, उसके बाद आने के बावजूद जब प्रधान इकट्ठे हो गए तो 4-6 घंटे के बाद जब उनसे मीटिंग ली गई, जब धामी जी वहाँ पहुँचे तो सिर्फ 5 से 8 मिनट से ऊपर 9 मिनट हुए, और वहाँ से बिना ढंग से उनसे बात किए भी निकल गए। नैनीताल पहुंचे पर्यटन, सिंचाई और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सतपाल महाराज ने नैनीताल में ललित कला अकादमी, भारत सरकार और सांस्कृतिक विभाग उत्तराखंड के सहयोग से राष्ट्रीय चित्रकला शिविर में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान महाराज ने पर्यटन और सिंचाई विभाग की 19,44,92,000 की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। नैनीताल की तस्वीरें, ललित कला अकादमी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, इसकी आधारशिला रखी गई है। 19,44,92,000 के अंदर ये हमने बहुत से कामों का लोकार्पण किया है, और आगे भविष्य में हमारा ये प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि प्राप्त करने के बाद हम यहाँ उत्तराखंड में ललित कला अकादमी को स्थापित करें, ताकि यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का सौभाग्य मिले और उनकी जो प्रतिभा है वो आगे प्रकट हो, तो इसके लिए पूरे प्रयास किए। हरिद्वार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का टिकट पाने के लिए नेताओं को परीक्षा देनी पड़ रही है, इसके लिए पार्टी हाईकमान ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। स्क्रीनिंग कमेटी ने आज हरिद्वार में 15 विधानसभाओं से टिकट मांगने वाले दावेदारों का इंटरव्यू लिया। बड़ी संख्या में दावेदार हरिद्वार पहुंचे। आपको बता दें कि हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से ऐसे दावेदार निकले जिन्होंने राजनीति में आने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने रिटायरमेंट के 6 महीने पहले VRS ले लिया। जो मेरी प्राथमिकताएं हैं उस सीट पे, वो 11 सूत्री मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने संकल्प लिया है। सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ बेरोज़गारी की समस्या, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से ग्रामीण जो मैंने विजिट किया, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के ढंग से दसे हुए हैं। लेकिन कई पार्टियों ने कहा है ना कि बेरोजगारी दूर करेंगे, युवाओं को साथ लेके चलेंगे, तमाम नारे दे रहे हैं, पर कैसे करेंगे ये कोई नहीं बोल रहा। के तत्वाधान में निर्माणाधीन खेल मैदान को अंबेडकर पार्क बनाने, सामुदायिक भवन बनाने, धरना स्थल निर्माण के संबंध में SDM कालाडूंगी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए SC ST कमीशन और केंद्र सरकार को भी अवगत कराया गया है। BSP के कार्यकर्ताओं का मानना है कि यहां पर 42,000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं,
खेल स्टेडियम की अवधारणा अनुसूचित जाति के विकास में बाधा डाल रही है, जिसके चलते अन्य वर्ग के लोगों की तरफ से उनको लगातार दबाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के ज्यादातर स्थानों पर शीतलहर के प्रकोप से लोग परेशान हैं। बीते एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल है। सुबह से शाम तक चल रही शीतलहर से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं। वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों की ओर से खुद के संसाधनों से अलाव जलाकर लोगों को ठंड से राहत दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बता दें कि जिले भर में बीते एक सप्ताह से ठंड बढ़ गई है। बताया भी जा रहा है कि अगर कुछ दिनों में बारिश हुई तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और ज्यादा सतर्क बरपा सकती है। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो जगह में अलाव की व्यवस्था कर रखी है, 7 वार्डों में 7 जगह अलाव की व्यवस्था है। अगर आगे भी ज़्यादा समस्या होगी शीतलहर की तो अलाव की व्यवस्था करेंगे। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए नगर क्षेत्र में कुल 6 जगहों में अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि हमारा संगम, मकड़ी बाजार, मेन मार्केट, बस अड्डा, बाईपास, इन जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है। रायवाला थाना पुलिस ने एक युवक को गांजे की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने युवक से बरामद स्कूटी के अंदर 1 किलो 360 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। पूछताछ में युवक ने बताया कि कम समय में ज्यादा रुपए कमाने के लालच में उसने मादक पदार्थों की तस्करी करनी शुरू कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर अभियुक्त को जेल भेज दिया है। हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान और आउटसोर्स से भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने की मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यालय के नए बस अड्डे पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार पर कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कार्य बहिष्कार 16वें दिन भी जारी रहा और उन्होंने जिला मुख्यालय में रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। हमारा जो धरना चल रहा है 16 दिन आज हो गए हैं और ये 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसमें अभी तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। हालांकि इस पर जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है उसने जरूर मिशन निदेशक से वार्ता की है, लेकिन उस पर भी हमें अभी तक कोई लिखित सहमति नहीं मिली है। मिशन निदेशक महोदय ने केवल मौखिक आश्वासन दिए हैं, उस पर ये जो आंदोलन है वापस लेना नामुमकिन। बढ़ते शहरीकरण के कारण कूड़ा पूरे देश के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, लेकिन चमोली के कर्णप्रयाग नगर पालिका ने इसका हल निकालकर दूसरी नगर पालिकाओं के लिए एक मिसाल भी पेश कर दी है। नगर पालिका कर्णप्रयाग ने 2013 से अब तक बीते 9 सालों में कूड़ा बेचकर 14 लाख रुपए की आय हासिल कर ली है, जिससे कर्णप्रयाग नगर पालिका के इन दिनों खूब वाहवाही हो रही है। हमने अभी डोर टू डोर कलेक्शन में जो है मैंने 11 सब प्राणी मित्र लगाए गए हैं और ये है प्रत्येक घर से ये कूड़ा उठा के यहाँ जो है लाते हैं। उसके बाद हमारी जो कूड़ा जो है आपके सामने जो लग रखी है कॉम्पिटिव से छटाई करते हैं। हम छटाई करने के बाद हमारे द्वारा जो है अभी तक जो है 14 लाख की जो है इनकम प्राप्त हो चुकी है और 11 जो है प्राणी मित्रों को रोजगार भी मिल रहा है। कॉम्पैक्ट मशीन जो है 2013 में लगी थी और इससे पालिका को आज तक 2013 से आज तक की जो कमाई हुई है 14 लाख रुपये हमें प्राप्त हो चुका है इस कूड़े से। ये जैविक और अजैविक जो कूड़ा 2 प्रकार का होता है, इससे पर्यावरण को जो लोग कूड़ा ऐसे फेंक देते हैं, बिखेर देते हैं, उससे नुकसान होता है। हमने सोचा कि पर्यावरण बचाने के लिए हम इसका क्यों ना सदुपयोग किया जाए। पिछले दिनों से चमोली के कई विकास खंडों में लगातार भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में लगातार जख्मी होकर जान बचाते हुए नजर आते हैं। विकासखंड थराली के रुईसान ग्राम पंचायत में पिछले दिनों में 7 लोगों पर भालुओं ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें 2 लोगों का अभी भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बता दें कि आज फिर रुईसान में भालुओं ने एक युवक और एक महिला पर हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने घायलों को थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाया। बता दें कि अभी तक वन विभाग की तरफ से इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो आए दिन भालू का आतंक हो रहा है, आज भी जो ताज़ा घटना हुई है इसमें एक युवक और एक महिला जो कि भालू ने जख्मी किया है गंभीर रूप से और उनका भी जो है कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र थराली में एडमिट किया गया है। पहले भी
ये एक दो महीने के बीच में ही यहाँ पे जो 8-9 घटनाएं हुई हैं, उसमें भी जो लोग जख्मी थे, गुदाली राम जी और लखपत राम जी, वो अभी भी हायर सेंटर में एडमिट हैं। और ये जो भालू का आतंक बना हुआ है, इससे लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। सोल क्षेत्र में रिसाण ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये पांचवी घटना एक महीने के अंदर घटी है, और जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक भी वन विभाग इसमें कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुआ है। और हम मांग करते हैं पूरे इस चैनल के माध्यम से और सरकार से मांग करते हैं कि अगर भालू ने इंसान को काटा तो हमें भी परमिशन दी जाए ताकि हम भालू को हम लोग मार सके। चमोली के दूरस्थ और तहसील स्तर जनता की शिकायतों को सुनने और उसका समाधान कराने के शासन के निर्देशों का असर दिखने लगा है। चमोली के विकासखंड नंदानगर में आयोजित तहसील दिवस में बड़ी संख्या में जनता अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंची, जिसमें एक दिन में 61 शिकायतें दर्ज की गई। मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी है, जिनमें से 46 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। बढ़ती ठंड को देखकर द्वार के मेयर नीता शर्मा ने देर रात हरिद्वार के रैनबसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान नीता शर्मा के साथ कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। हरिद्वार के मेयर नीता शर्मा ने सबसे पहले हरिद्वार के अलकनंदा घाट के पास स्थित रैनबसेरों का निरीक्षण किया, जहाँ पर उन्हें रैनबसेरे पर लगे शीशे टूटे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने जल्द ठीक कराने के दिशा निर्देश दिए और रैनबसेरों में लगे स्विच को भी सही कराने के निर्देश दे दिए हैं। मंगलौर में महीनों से धरने पर बैठे किसानों की मांग पूरी होने के बाद सभी राज्यों के किसान अपने घर लौट आए। उत्तराखंड प्रदेश से भी 13 महीनों से आंदोलन पर बैठे किसान की घर वापसी हो गई है। घर वापसी के बाद अपनी खेती में पूरी तरह मग्न किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आंदोलन पर गए किसानों की गैर मौजूदगी में किसानों की महिलाओं और बच्चों ने ही खेती को संभाला था। आपको बता दें कि मंगलौर क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड के किसानों ने कृषि बिल कानून के विरोध में दिल्ली में बैठ आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो मंगलौर की तस्वीरें, जहां पर किसानों की घर वापसी के बाद किसानों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। तो मंगलौर में महीनों से धरने पर बैठे किसानों की मांगें पूरी होने के बाद सभी राज्यों के किसान अपने घर वापस लौट आए हैं। अभी 13 महीने तक हमारा दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चला और हमारे 700 किसान लगभग उसमें शहीद हुए। बड़ा संघर्ष किसानों ने एक दिल्ली में किया केंद्र सरकार के खिलाफ, और उसमें विजय हासिल हुई देश के किसानों को। तो ये जो खेती का काम अब यहाँ चल रहा है, दिल्ली में व्यस्त होने के कारण खेती पर किसानों का उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना किसानों को खेती पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि बॉर्डरों पर किसानों का ध्यान ज़्यादा रहा। कभी भी बॉर्डरों की कॉल आ जाती, किसानों को तुरंत बॉर्डरों के लिए रवाना होना पड़ा था। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।